हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गॉडसन रोहित और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गॉडसन क्रिकेट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वीमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वीमेन के मुकाबले की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेज वेस्ट इंडीज के ड्रीम अलेवन प्रेडिक्शन की। मतलब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दो दो मैच हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, और जब दोनों मैचों को कवर करेंगे तो क्या क्या चीजों को जानेंगे हम जानेंगे कि आज के मैच के फिक्स प्लेयर कौन है, ट्रम्प प्लेयर कौन है, हरवाने वाले, ये नई चीज है आप सुन लो, हरवाने वाले प्लेयर कौन है, सेफ कैप्टन, ट्रम्प कैप्टन, वाइस कैप्टन जानेंगे कि क्या होता है और किस प्रकार से पकड़ा जाता है, और इन दोनों मैचों के भी बताऊंगा कि सेफ और ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा। साथ ही साथ मैं आपको आपकी गलतियों को दिखाऊंगा, फिर टीम की कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरी बात को समझो, आप बहुत सारे रिकॉर्ड देखते हो, डेटा देखते हो कि इस प्लेयर ने पिछले तीन मैच में इतना किया, इस प्लेयर ने इतने पिछले चार मैच में इतना किया, लेकिन बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो टीम की जो कॉम्बिनेशन होती है ना, कि किसको रखना है, किसको हटाना है, इसको रखे तो किसको हटाएं, उसको हटाएं तो किसको रखें, ये वाली जो चीज रहती है ना, जिसको इंग्लिश में टीम की कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये तो वंचित रह जाती है। तो टीम की कॉम्बिनेशन कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा, साथ ही साथ टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने विकेट कीपर, कितने बल्लेबाज, कितने ऑलराउंडर, कितने गेंदबाज, फिर लास्ट में हम चीजों को बात करेंगे टीम की रेशियो, मतलब एक टीम से कितने प्लेयर, दूसरे वाली टीम से कितने प्लेयर, और लास्ट में एसएल की टीम और फिर ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि दो दो मैच मैं एक साथ कवर कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के लिए मैंने गिव अवे भी रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और गिव अवे की जो प्राइज मनी है वो 1500 रुपए रखी है मैंने, लिटरली मेरे लिए लाइफ का, ये समझ जाओ कि 1500 नहीं, इससे पहले 5000 भी रख लिया मैंने, नहीं रखा हुआ है, तो ये सेकंड हाईएस्ट है, पहले 5000 मैंने रखा था, बट ये सेकंड हाईएस्ट है। वेल, अगर आपका जवाब 75% भी सही होता है, मेरी बात को ध्यान समझना, 75% भी अगर आपका जवाब सही से होता है तो ये 1500 रुपए आपके झोली में चले जाएंगे, आपके खाते में चले जाएंगे, आप मुझे QR भेज देना। सो दो दो मैचेस का प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ज्यादा समय बर्बाद ना किए हुए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका वर्सेज वेस्ट इंडीज के ड्रीम अलेवन प्रेडिक्शन की, और जानेंगे इन 22 में से कौन से वो 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो आज के मैच में ड्रीम अलेवन में आ सकते हैं, फिर जाकर के कैप्टन वाइस कैप्टन का हम सही चयन करेंगे। तो बात करें अगर हम टीम की कि कौन से प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन जो है ना वो काफी ज्यादा है और जनता उन्हीं पे भरोसा दिखा रही है, पर क्या हमें उन्हीं के साथ जाना चाहिए या फिर 2 से 3 उनमें से छांट देने चाहिए और उनके जगह किसी और को रखना चाहिए, चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो चलो हम पहले हाई सिलेक्टेड वाली टीम को देख लेते हैं कि हाई सिलेक्टेड वाली टीम क्या है, कौन सी है, क्या उसके ऊपर हम दाव लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, भरोसा कर सकते नहीं कर सकते, और जो हाईली सिलेक्टेड वाले प्लेयर हैं उनमें से कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको लेकर के हम चलेंगे, और कौन से प्लेयर हैं जिनको हम ड्रॉप करके चलेंगे कि यार रहने देते हैं भाई, आप मत हमारी टीम में आज आओ, ओके। सो वेल, काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पे बॉलर से सिर्फ एक ही सिलेक्शन यहां पे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्शन हो रहा है बॉलर का वो एक ही हो रहा है, और आज का जो मैच है वो रंगिरी डांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम होने वाला है, जो कि बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, और यहां पे वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत करके श्रीलंका को बोला कि आप आइए, आप अगर खेलिए, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत में पता है कि मॉइस्चर था, नमी था, और उसकी वजह से शुरुआत में थोड़ी सी मदद मिल सकती थी, लेकिन उसके बाद पाटा पिच, पाटा मतलब समझ लो फ्लैट, एकदम फ्लैट बल्लेबाजी के लिए पिच जन्नत है, तो देखा जाए तो यहां से परसेंटेज के हिसाब से बॉलर का जो सिलेक्शन हुआ वो एक ही हुआ है, जो पथिराना का हुआ है, और फिर यहाँ हसरंगा और मेंडिस ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, और असलंका भी गेंदबाजी कर ही रहे हैं। अच्छा, इनकी बात करें तो रोस्टन चीज यहाँ दिख रहे हैं, जो कि लेफ्ट हैंडर के सामने राइट हैंडर की गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त कारगर साबित होगी, तो रोस्टन चीज अच्छे पिक होंगे, और रोमारियो शेफर्ड जिसने पिछले मैच में विकेट भी अच्छा खासा लिया था, तो ऐसे में ये टीम दिख रही है जो नीचे से मुझे अच्छी दिख रही है, इधर भी अच्छा दिख रहा है, एवन लेविस ने भी अच्छा किया है, निशांका और मेंडिस, मैंने आपको लास्ट मैच में बोला था कि क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप दोनों के दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, और इनको ड्रॉप करते हुए आप मेंडिस और असलंका को रख सकते हो, मैं खुद डरते हुए बोल रहा था क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन देखो रिस्क से ही होता है, और दोनों के दोनों नहीं चले, और यही दोनों दोनों चले थे, समझ ना होता यार। फिर मैंने आपको बताया था शाही हो, ब्रैंडन किंग इन वेस्ट इंडीज की टीम के सबसे ट्रस्टवर्दी बल्लेबाज है, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, तो आपने देख भी लिया कि भरोसे पे ये लोग खड़े भी उतरे, हालांकि ब्रैंडन किंग ने 63 रन मारा, बिल्कुल 63 रन यहाँ पे ब्रैंडन किंग ने मारा था, शाही होप नहीं चल पाए थे, वो 7 रन बना करके आउट हो गए थे, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, हमें इनके ऊपर नजर बना करके रखनी चाहिए। हसरंगा, वेल यू नो दैट कि आप हसरंगा के ऊपर डाउट नहीं कर सकते हो, ये किसी भी दिन कारनामा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने कारनामा जो किया था वो बहुत बड़ा नहीं किया था, ऐसे में क्या कह सकते हैं हम कि आज के मैच में कहीं ना कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी शायद इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि यार अरे नहीं, हसरंगा से तो बढ़िया भाई ये वाला है, इसको रख लेते हैं, ऐसे में हसरंगा की दावेदारी थोड़ी कम हुई होगी, और इस वजह से दावेदारी हमारे लिए हसरंगा के लिए अच्छी बन जाती है, तो ये देखा जाए वैसे ये एवन लेविस ने अच्छा किया था। वेल, ये 6-5 की जो टीम है ये बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, अच्छा किया था, किसी को भी नहीं कहा जा सकता कि हाँ इनको हटाया जा सकता है। हाँ, कहीं भी अगर डाउट है तो मेंडिस और निशांका के ऊपर डाउट है, डाउट किस वजह से, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में किया ना, उस वजह से डाउट, बाकी के 9 को 9 देखो तो 9 ने अच्छा किया, सॉरी शाही होप, शाही होप भी ना, शाही होप भी है, 3 प्लेयर देखो,
एक दो तीन, ये जो तीन प्लेयर हैं इन तीनों प्लेयर ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिया था। अब चूंकि नहीं दिया था इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता और यह कहा नहीं जा सकता कि तीनों के तीनों भाई बेहतरीन करने वाले, नहीं ऐसा नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि तीन में से दो चल सकते हैं और एक जरूर होगा जो क्या किया सकता है, उनको मतलब ड्रॉप किया जा सकता है, शायद हो सकता है वो फेल हो जाए। तो ध्यान दो, इन तीन में से जरूर हो सकता है कि दो चल जाए लेकिन एक क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो समझना क्या है हमें, स्मॉल लीग, अगर स्मॉल लीग के लिए हमें जाना है तब तो ये टीम क्या है हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि स्मॉल लीग में क्या होता है, रिस्क कम लेते हैं ना, एकदम रिस्क कम लेते हैं, क्योंकि हम इंतजार करते हैं कि भाई सामने वाली जो टीम है वो गलती करे, हम तो गलती नहीं करने वाले, हम बड़े बड़े प्लेयर को लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि ये बड़े प्लेयर वो बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, अपने प्रदर्शन के दम पे नाम बनाया हुआ है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो चाहे ऑलराउंडर वाली बात हो, इन्होंने किया है, प्रमाणित किया है। पहले मैच में फ्लॉप हो गए तो क्या हुआ भाई, हमने नहीं गलती करनी है, तुम सामने वाली गलती करो। तो स्मॉल लीग की जो टीम बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिंपली बस यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वेल ये रही तो स्मॉल लीग की बात, बट अगर ग्रैंड लीग आपको जीतना है तो भाई ये कॉन्सेप्ट के साथ आप कभी ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे, क्योंकि 90-95% जनता जो होती है वो डर डर के टीम बनाती है और चुपचाप से वो उन्हीं प्लेयरों को रख लेती है जो पिछले मैच में अच्छा किए रहते हैं, या बड़े नाम होते हैं, या बड़े दर्शन होते हैं, या उनका सिलेक्शन जो होता है ना, प्रतिशत उनका जो हाई होता है, उन्हीं को वो चुपचाप रख लेते हैं। जैसा कि आप इस टीम में देख सकते हो कि लोगों ने ज्यादातर जो सिलेक्शन किया है वो उन्हीं प्लेयरों का किया जिनका परसेंट ऑफ सिलेक्शन क्या है, काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ये टीम कभी ग्रैंड लीग नहीं जीतेगी। तो सवाल क्या, ग्रैंड लीग जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रैंड लीग जीतना है तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें जो तीन जो प्लेयर दिख रहे हैं जो पिछले मैच में फ्लॉप हुए हैं उनमें से हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब दिख रहे हैं यहां पे लेकिन ड्रॉप करना पड़ेगा, हो सकता है एक को और हो सकता है कि दो को भी, हालांकि दो को कहना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, पर दो को भी ड्रॉप करना यहाँ पे बनता बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। बात करेंगे आप ब्रैंडन किंग की, एवन लेविस की, तो देखा जाए तो अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो ब्रैंडन किंग और एवन लेविस ये दोनों ओपनिंग करते हैं। मेरी बात को बड़े प्यार से समझना, मैं एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। आपने देखा था कुशाल मेंडिस और निशांका, ये दोनों तगड़े बल्लेबाज है ना, है ना तगड़े बल्लेबाज, लेकिन दोनों के दोनों विकेट गिर गया था, गिर गया था, क्यों, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के बुड को बोला श्रीलंका भाई आप आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर है भाई, नमी है, नमी के कारण गेंद थोड़ी सी भाई लहरेगी और हमने फिर उसका मजा लेना है और विकेट चटकाना है, और एग्जैक्टली वैसा देखने को मिला कि मेंडिस और निशांका आउट हो गए। क्या ये मजा श्रीलंका नहीं ले सकता है, आप जरा मुझे बताओ, श्रीलंका टॉस जीते और कहे कि आओ, आई एम जस्ट गिविंग यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब आपकी दवा मैं आप ही को खिलाता हूँ भाई साहब, आप ही का स्वाद आप ही को चखाता हूँ, कि इस बार ऐसा करिए आप आइए, हम मॉइस्चर का मजा लेते हैं और आपकी विकेट को चटकाते हैं, ऐसे में आप कुछ सोचो, बात समझ रहे हो ना मेरी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ हाँ या ना कुछ बोलते ना करो। ये ब्रैंडन किंग और एवन लेविस इन दोनों के ऊपर दिख रहा है क्या खतरा, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि दोनों विकेट का खतरा, बट एटलीस्ट यानी कम से कम आप तो ये मानते हो ना कि सर हाँ, नहीं सॉरी मैं सर नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को भाई बोलूंगा कि एटलीस्ट आप ये तो जरूर बोलोगे ना कि हाँ ब्रदर आप सही बोलो, एटलीस्ट एक विकेट का तो खतरा डेफिनेटली यहाँ पे हमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक विकेट का खतरे के तौर पे आप यहाँ से उड़ा सकते हो, डेफिनेटली उड़ा सकते हो। और मैंने क्योंकि बताया कि इन तीनों में से तीनों के तीनों बल्लेबाज जो थे वो क्या थे, पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, तो ऐसे में एटलीस्ट कम से कम यहाँ से भी एक विकेट मतलब एक प्लेयर को यहाँ से ड्रॉप किया जा सकता है। अब आपको पता है ना ग्रैंड लीग जीतना होता है तो आपको सात आठ प्लेयर हाई परसेंटेज वाले और दो से तीन प्लेयर लेस परसेंटेज वाले रखने होते हैं, तो मैंने दो को ड्रॉप करके दिखा दिया ना कि ड्रॉप करने की जगह जो बनती है वो कहाँ कहाँ से बनती है, यहाँ से ड्रॉप करने की जगह बनती है। अब हम बात करें बाकी खिलाड़ी के बारे में, क्या इनमें से कोई और है जिनको ड्रॉप किया जा सकता है, तो लेट्स चेक आउट, कुशाल मेंडिस बहुत प्यारा प्लेयर है और टेस्ट का इनका रिकॉर्ड इतना डेंजरस है, इतना बढ़िया रिकॉर्ड है और इतना कंसिस्टेंट बनता है कि आप इनको रख करके जाओ, और वैसे भी बैटिंग ये डाउन डी ऑर्डर नहीं मिडिल ऑर्डर में करता है, अगर लड़खड़ाती है तो बीच में आकर संभाल लेता है, प्लस गेंदबाजी से भी दो ओवर गेंदबाजी कर रहा है, इसलिए इस बात को आप रखते हुए कंसिडर करते हुए मद्देनजर रखते हुए आप के मेंडिस को टीम में रखोगे। रॉस्टन चेज की बात करें तो रॉस्टन चेज ने पिछले मैच में 19 रन बनाया था और विकेट नहीं लेके गया था। अब मेरी बात को समझना, विकेट तो लेकर के नहीं गया था लेकिन सामने वाली टीम में लेफ्टीज हैं गाइस, बिल्कुल लेफ्टी, दो तो यही स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो ये दो तो आपको यही पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, असलंका और कुशाल मेंडिस, ये चौथे और पांचवें नंबर पे आएंगे, असलंका आएगा चौथा, ये आएगा मेंडिस पांचवा, तो ये तो चौथा पांचवा इधर ही आपको लेफ्टी दिख रहा है, ऐसे में रॉस्टन चेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि विकेट इन दोनों के गिरे ही नहीं, पारी बड़ी इन दोनों ने खेल दी, अच्छी पारी खेल दी थी, इसलिए रॉस्टन चेज वंचित रह गए, लेकिन अगर इन दोनों को आउट करना है तो उनके कंटेंडर सबसे बड़े मुझे दिख रहे हैं तो रॉस्टन चेज, क्योंकि दोनों लेफ्टी हैं और ये रॉस्टन चेज क्या है, राइट हैंडर स्पिनर है। अब मैं देख लेता हूं जो मैच होने वाला है वो कहां होने वाला है, कि स्पिनर को मदद है कि नहीं है, डांबुला के पास पहुंचते हैं और डांबुला देखते हैं यार 26 विकेट गिरा है, पेसर ज़्यादा ले रहा है, स्पिनर कम ले रहा है, डांबुला के पास है ना, ये सीन रहा है।
चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत तो रिस्क लग रहा है, रोस्टन चेस के ऊपर रिस्क लग रहा है, हसरंगा तो रखेंगे भाई। भले ही हसरंगा ने वो कप्तानी जैसा पारी नहीं खेला, मतलब जैसा कप्तान लोगों ने बनाया था ना, एक रन और एक विकेट, एक प्लस एक वाला था, लेकिन एक प्लस एक ये बंदा डिजर्व नहीं करता, इससे ज़्यादा डिजर्व करता है रोमारी शेफर्ड को टीम में रखना है। और पथिराना का सवाल नहीं उठता है, चले ना चले फर्क ही नहीं पड़ता, रखना ही रखना होगा। पहली इनिंग में 8 गेंद और दूसरी इनिंग में 12 गेंद जिसको लगे विकेट लेने में, उसको कैसे हटाया जा सकता है। वेल कहीं गड़बड़ अगर मुझे दिख रहा है तो यहीं दोनों पर दिख रहा है, नहीं मैंडिस पर तो नहीं बोलूँगा, ये रोस्टन चेस और ये रोस्टन चेज और असलंका, क्योंकि असलंका बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। आपको पता है गेंदबाजी इन्होंने नहीं की थी, चार चार ओवर के चार ओवर के जो गेंदबाज थे इन्होंने किया था, जैसे अभिष्का फर्नांडो, तुषारा, असिता फर्नांडो, पथिराना, थीक्षाना और हसरंगा, इन्होंने क्या किया था, चार चार ओवर किया था, फिर दो ओवर विक्रम सिंघे किए थे और दो ओवर कौन से किए थे, ये मेंडिस किए थे, असलंका नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में असलंका और रोस्टन चेज इन्हीं के ऊपर मुझे खतरा दिख रहा है। तीसरी जगह जो दिख रही है वो यहाँ दिख रही है, एक जगह मैंने कहाँ दिखाई, यहाँ दिखाई, और एक जगह मैंने कहाँ दिखाई, यहाँ दिखाई। स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीन जगह मैंने आपको बता दी जहाँ से खतरा मुझे दिख रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है गाइज, यहीं से खतरा दिख रहा है या कहीं और से खतरा दिख रहा है? प्लीज़ मेक श्योर कि आप जाकर के कमेंट करो, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं इसके स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, लोग आपके ओपिनियन को पढ़ते हैं, आपकी राय को पढ़ते हैं, और जाकर के वो आपको थैंक यू भी कहीं ना कहीं बोलते हैं, आपके कमेंट को वो लाइक भी करते हैं, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी बातें आप तक ना जाए, बल्कि आपकी बातें भी बाकी लोगों तक जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने ओपिनियन देना ज़रूर से, ठीक है, कि कहाँ से ड्रॉप किया जा सकता है इस हाई परसेंटेज वाली टीम में से। ओके अब चलो हम क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इन बड़े प्लेयरों को, मैंने बताया कि ड्रॉप करना है तीन प्लेयर, कम से कम तीन ड्रॉप करना है, तो तीन हमने उठाना कहाँ से, वो तीन प्लेयर होंगे कौन से जो ट्रंप कार्ड होंगे, तो चलो उनकी तरफ हम चलते हैं और बातें करते हैं ट्रंप प्लेयर की तरफ, ठीक है। तो यस गाइस, अब हम बात करने वाले हैं ट्रंप प्लेयर की। स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने चार प्लेयर श्रीलंका सेलेक्ट किए और चार प्लेयर मैंने वेस्ट इंडीज सेलेक्ट किए, और चार ये बल्लेबाज हैं और चार गेंदबाज हैं। अब क्योंकि देखा जाए बैटिंग पिच है, तो बैटिंग को थोड़ा सा ज़्यादा हम मदद बोल सकते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा इनिंग के हिसाब से। जैसे देखा जाए राजा पक्षा जो है और साथ ही साथ रोमियो पॉवेल है, ये सब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। जैसे पॉवेल आता है पच्चीस नंबर पर, रदरफोर्ड आता है छठवें नंबर पर, और राजा पक्षा भी जो आ रहे हैं वो छठवें नंबर पर आई गेस आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच है, हाँ छठवें नंबर पे आ रहे हैं। तो देखना छठवें नंबर पे बल्लेबाजी आना पाटे पिच के ऊपर ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल बल्लेबाजी आ सकता है। खास तौर से देखा जाए तो पहले इनिंग में आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले इनिंग में क्या हो, थोड़ा सा अर्ली स्विंग हो रहा है। अब अर्ली स्विंग जब हो रहा है तो ऊपर से जब विकेट गिरेगा तो ऐसे में पच्चीस छठे नंबर का जो बल्लेबाज होगा ना उस तक बल्लेबाजी पहुंच सकती है। तो पावर और राजा पक्सा और रदरफोर्ड उस केस में, हालांकि रदरफोर्ड देखो एकदम गेंदबाजी नहीं कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है, और पावर और ये अच्छा नहीं फॉर्म में है। राजा पक्सा भी देखा जाए तो राजा पक्सा ने भी कुछ खास इन रिसेंट फॉर्म रिसेंट जो रहा है उनका कुछ खास रहा नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर आप मानते हो क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है, और ये भी मानते हो कि हिस्ट्री यानी इतिहास बताती है कि यार जो ग्रैंड लीग जो जीतता है उसकी टीम में दो तीन प्लेयर कम से कम तो वो लेस परसेंटेज वाले रहते ही रहते हैं, तो आपको ये वाला देखना पड़ेगा, बिल्कुल सेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आते हैं ये कुशाल परेरा, कुशाल परेरा तीसरे नंबर पे आते हैं, और आपको पता है कि ये जो बल्लेबाज है ना ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, और जब इनको लोग बॉयकट कर देते हैं जिस दिन कि भाई आप हट जाओ, एकदम हट जाओ, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, उस दिन ये आपको रैंकिंग की नजरों के सामने से हटा देता है। ये उस लेवल का बल्लेबाज है और आता है तीसरे नंबर पर, यह भी ख्याल रखना। तो सेकंड इनिंग आ जाएगी तो ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। हालांकि इनका जो रिकॉर्ड है वो पहले इनिंग में अच्छा है, लेकिन क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा और भी पाटा हो जा रही है ना, तो आप सेकंड इनिंग में भी कंसिडर कर सकते हो। पहले इनिंग तो पक्का है, लेकिन दूसरे इनिंग में भी इनको आप कंसिडर करके चल सकते हो। किसको? के परेरा को डेफिनेटली सोच के चल सकते हो, क्योंकि जब ये मारता है ना धागा खुलता है भाई, लिटरली ये डेंजरस बल्लेबाज है। हाँ भरोसेमंद नहीं है, बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, लेकिन हाँ ये डेंजरस है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। गेंदबाजी के पास आ जाए तो हम बात करते हैं शमारियो जोसफ की। अब शमारियो जोसफ को देखा जाए तो गेंदबाज तो अच्छा है, डेफिनेटली गेंदबाज अच्छा है, ये आप भी कहीं ना कहीं अग्री करोगे, सहमत होगे। लेकिन हाँ पिछले मैच मात्र एक ही विकेट लेके गया, लेकिन उससे पहले देखोगे तो तीन विकेट एक विकेट ऐसे लेके जा रहा है। तो शमारियो जोसफ को डेफिनेटली कंसिडर करके चलना पहले इनिंग। देखो मेन मसला क्या है, पहले इनिंग की बल्लेबाजी मसला है, और पहले इनिंग की गेंदबाजी अच्छी है, मतलब पहले इनिंग की बल्लेबाजी खराब है, क्योंकि अर्ली स्विंग और पहले इनिंग में जो गेंदबाजी कर जाएगा उसका थोड़ा सा निकल पड़ेगी, ऐसा वाला तेज गेंदबाज तो निकल पड़ेगी जो पहले इनिंग में क्या करे गेंदबाजी कर ले, ये समझ में आ गई बात। और अगर ये दूसरे इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो गड़बड़ है, आपको रखना पड़ेगा एक ही को, दोनों को नहीं रखना पड़ेगा। वही फर्नांडो के साथ भी वही है कि पहले इनिंग की गेंदबाजी आ जाए तो क्या पता, शुरू मैंने बोला था कि श्रीलंका को आज मजा आ जाए, कि वेस्ट इंडीज को बोलेगा अब आप आओ आपको हम मजा अब हम लेकर के दिखाते हैं, तो फर्नांडो वहाँ से निकलता है, अब पथिराना वहाँ से निकलता है, दो प्लेयर निकलते हैं। तो पथिराना तो आप वैसे भी रखोगे, वो डेथ में भी आपको मुलाकात हो जाएगी, विकेट लेके चला जाएगा, लेकिन मज़ा यहाँ पे शायद हो सकता है कि अविष्का फर्नांडो को आ जाए। प्रतिशत कम है, लोग पथिराना के साथ एकदम आग बन करके गारंटी लेके जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन समझो गेम चेंजर कोई होगा यहाँ पे तो असिता फर्नांडो यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि प्रतिशत चेक करो बहुत कम है। दीक्षाणा
तो एक शाणा आपको पता है ये डेढ़ शाणा है, बिल्कुल डेढ़ शाणा है, और ये गेंदबाजी भी जो करता है अच्छी करता है। हालांकि पिछले मैच में एक ही विकेट ले गया है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको रख के जाना होगा तो पहले इनिंग में आप रख के जाओगे इसको, ठीक शाणा, समझ में आ गई। चलो ये है प्लेयर, आपके आठ प्लेयर। अब इन आठ प्लेयरों को आपका इस्तेमाल करके आपको बनानी होती है अपनी ग्रैंड लीग की टीम। तो चलो मैं आपको टीम बना करके दिखा देता हूँ। तो यस गाइस, पहली टीम आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मैंने पहली टीम जो रखी हुई है उसमें देखो मैंने क्या किया है कि इस बार मजा दिलाया मैंने श्रीलंका को, और यही कारण श्रीलंका के छह, वेस्ट इंडीज के पांच रखे हैं। और देखो कुशाल मंडित निशंका इस बार एक टीम जो मैं पहली टीम बनाऊंगा छह पांच श्रीलंका के पक्ष में, वो दोनों को मैं रखूंगा। और इस बार मैंने क्या किया है, जस्ट वही किया है जो श्रीलंका के साथ पहले मैच में हुआ था कि विकेट यहां पे मैंने गिरवाया है। तो आप देख सकते हो कि वहां पे शाई होप और एवन लेविस ओपनिंग करने आते हैं ना, सॉरी ब्रेंडन किंग और लेविस ओपनिंग करने आते हैं ना, तो मैंने लेविस को वहां पे आउट कराया है। और कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा रहते हैं ब्रेंडन किंग, तो उस वजह से मैं भरोसा ज्यादा किस पे किया है, ब्रेंडन किंग के ऊपर किया है, और लेविस पे थोड़ा कम किया कि लेविस ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, ब्रेंडन किंग जो है वो ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद, टेक्निकली स्ट्रांग है, और ये मतलब समझदारी से खेलने वाले बल्लेबाज है, तो इसीलिए मैं ब्रेंडन किंग को रख रहा हूं, एक विकेट लेविस को उड़ा रहा हूं। तीसरे नंबर पे शाई होप को ही मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अगर विकेट गिरेगा तो मुझे लगता है शाई होप आकर के संभाल सकते हैं। मतलब तीसरे नंबर पे उनके जो आते हैं वो परेरा आते हैं ना, परेरा आते हैं, जानते हो ना परेरा, कुशाल परेरा, वो तीसरे नंबर पे उतने भरोसे बल्लेबाज नहीं है जितना शाई होप तीसरे नंबर पे भरोसे बल्लेबाज है, इसलिए मैं शाई होप को तीसरे नंबर पे रख रहा हूँ। अगर वो रहता तो उनको तो नहीं रखा था ना मैंने, आपको ध्यान होगा, कुशाल परेरा को मैंने नहीं रखा था टीम में, लेकिन क्योंकि इनकी विकेट गिरेगी तो मुझे लगता है शाई होप तीसरे नंबर पे आके संभाल सकते हैं। अब क्योंकि मैंने इन दोनों को रख दिया है तो तीसरे नंबर पे परेरा को मैंने हटाना पड़ेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ लंबी पारी यही खेलेंगे, और परेरा को हटा दिया है। चौथे नंबर पे जाके मैंने कुशाल मेंडिस को रख दिया है, और हो सकता है कि फिर श्रीलंका यहाँ से अगर ये दोनों लंबी पारी खेलें और फिर उसके बाद कुशाल मेंडिस रुक रुक के पारी खेले और फिर नहीं आ सकता, श्रीलंका की बल्लेबाजी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है श्रीलंका की बल्लेबाजी। और श्रीलंका को मैं रखा हुआ पथिराना विकेट लेने के लिए, तो एक तेज गेंदबाज और दो स्पिनर ये काफ़ी है यार, चार ओवर ये आठ दस, दस ओवर में जो विकेट गिरेंगे भाई, इससे ज़्यादा विकेट गिर कहाँ रहे हैं, विकेट कम गिर रहे हैं, पाटा पिच है। और इनकी बात करें तो शेफर्ड को रखा है, जोसफ को रखा है, रोस्टर चेस को रखा है, यानी चार चार आठ चार बारह, ठीक है बारह इनका भी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जरूरत पड़ेगी तो श्रीलंका भी गेंदबाजी कर ही देंगे। तो ये छः पाँच की मैंने टीम रख दी। और कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर आप देखना चाहोगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन का क्या चल रहा है, तो देखो समझो मेरी बात, प्रतिशत सबसे ज़्यादा किसका है, के मेंडिस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, श्रीलंका का उसके बाद दूसरे नंबर पे, तो के मेंडिस का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है कैप्टन के तौर पे, और वाइस कैप्टन के तौर पे अगर चेक किया जाए तो मुझे लगता है कि श्रीलंका का है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कैप्टन मेंडिस और श्रीलंका वाइस कैप्टन, नहीं ये वाला मत करना काम, आप ये वाला काम बिल्कुल भी मत करना, आपके लिए सही नहीं रहेगा। अब क्योंकि मान ने पाटा पीछे बल्लेबाजी पीछे, तो सेकंड इनिंग में जो बल्लेबाजी कर रहा है उसको थोड़ा फेवरेट मान लेते हैं। सेकंड इनिंग बल्लेबाजी कौन कर रहा है, कुशाल मेंडिस और निशंका ना, आप कुशाल मेंडिस और निशंका में से एक को आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो पद, एक को मेंडिस और निशंका में से एक को क्या करो, पद दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो। और दूसरे वाले के पद के लिए आप जा सकते हो किसके पास, श्रीलंका के पास चले जाओ, ये आपके सही रहेगा, श्रीलंका या फिर कुशाल मेंडिस, मतलब समझ रहे हो, ये दोनों वाइस कैप्टन, दोनों में से जिसको सही लग रहा है वाइस कैप्टन बना करके ये बना देना आप कुशाल मेंडिस और निशंका में से किसी एक को कैप्टन, ये थोड़ा सा ना पेयर रिस्की वाला होगा, ठीक है। अगर आपको सेफ खेलना है तो सेफ किस तरीके से खेलोगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कि आप यहाँ से आज कैप्टन बना दो श्रीलंका को, और वाइस कैप्टन के तौर पर आप पथिराना के पास जा सकते हो, ये आपके लिए सही है, बिल्कुल सटीक है आपका, ये भी बढ़िया रहेगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम रिस्क लेना होगा, तो आप ऑलराउंडर जो है ना श्रीलंका और मेंडिस, इन दोनों में से एक को रखना, और दूसरा जोड़ा जो आप लगा देना वो पथिराना का जोड़ा लगा देना। अगर एकदम सेफ खेलना होगा तो ये मेंडिस और श्रीलंका को एकदम रख देना जोड़ा, आपके लिए सही रहेगा सेफ खेलना हो तो, नहीं क्योंकि पाटा पीछे आप मान लो तो ऐसे मैं बोलूँगा कि बल्लेबाजी पर खेल दो, खेल लो बल्लेबाजी के ऊपर, खासतौर से ऊपर के बल्लेबाजों पर खेल लो, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना कि ये कोई सोच नहीं रहा है इनके बारे में कैप्टन वाइस कैप्टन, जरा प्रतिशत चेक कर लो, ये देख लो, ये देख लो प्रतिशत, ये देखो यहाँ प्रतिशत, ये देखो यहाँ प्रतिशत, ये देखो निशंका प्रतिशत, देख रहो यही है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, जिस हिसाब के आप लेना चाहते हो उस हिसाब से ले लो। तो ये रही आज की मेरी टीम है ना, मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि आज की मैच के लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि चलो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि आज निशंका करने वाले हैं तगड़ा, और यहाँ से उठा लेते हैं श्रीलंका जो बैलेंस दे देंगे मेरी टीम को ऑलराउंडर के तौर पर। तो ये रही छः पाँच की टीम, लेकिन फाइनल टीम नहीं गई, फाइनल टीम हम कहाँ देंगे, हम टेलीग्राम पर देंगे, फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लो। और हाँ, अभी मैं आपको पहला सवाल जो पूछ दे रहा हूँ वो यही पूछ दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच ने वेस्ट इंडीज़ जीता था, कि वो भी का सवाल पूछ रहा हूँ, पिछला मैच वेस्ट इंडीज़ जीता था, तो पहला सवाल आपके लिए यही होगा कि आप बताओ कि आज वेस्ट इंडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा प्लेयर देने वाला है, सिर्फ उसका नाम लिखना है, पहला सवाल है सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाला, ठीक है। आगे के सवाल सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम सीधा बात करेंगे इंग्लैंड वीमेन वाला जो मैच होने वाला है ना, वो वीमेंस वाला, वीमेंस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है।
सो यस गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वीमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वीमेन। लेकिन इसकी बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने यहां तक वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइस कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो, ताकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन, हिम्मत, हौसला मिले। सो चलिए आगे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का जो मैच होने वाला है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, वो कहाँ पे होने वाला है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड और वीमेन का जो रिकॉर्ड रहा है वो 19-7 का रहा है, यानी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की तुलना में मजबूत टीमें, 19 बार जीत चुकी है इंग्लैंड और 7 बार जीत चुकी है वेस्ट इंडीज़। तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो भारी है वो किसका भारी है, हमें इंग्लैंड का भारी दिख रहा है। हालांकि वेस्ट इंडीज़ ने, वेस्ट इंडीज़ के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और गेंदबाजी की बात करें तो फ्लैशर और रामहरक, इसने जो गेंदबाजी इन दोनों ने की है, बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है, नजर बना के रखे रहेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 127 का है गाइस, ठीक है, 127 का एवरेज स्कोर है। हालांकि यहाँ पे इंडिया ने 172 मारा था, आपको याद होगा, और दूसरी वाली टीम जो थी, यहाँ लोएस्ट स्कोर जो थी वो 66 रन पे टीम ऑल आउट हो गई है। तो 66 लोएस्ट है, 172 हाईएस्ट है, एवरेज 127 है। और विकेट का डोमिनेशन देखा जाए तो स्पिनर पेसर से ज़्यादा स्पिनर का जो डोमिनेशन है वो ज़्यादा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखो स्पिनर का डोमिनेशन ज़्यादा है, 47 विकेट, पेसर यहाँ 39 विकेट लेके गया है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका, हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 39-47 का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा भूमिका बढ़ जाती है। और ध्यान देना, वेस्ट इंडीज़ जो होती है वो तो उतनी स्पिनर अच्छी नहीं खेल पाती है, वैसे देखा जाए तो स्पिनर तो इंग्लैंड में कुछ खास नहीं खेल पाती, जितने भी ये इंटरनेशनल वाले पिचेस वाले हैं ना यार, ये पेसर को ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं, स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते हैं। सो इट विल डिपेंड ऑन द टीम, इट विल डिपेंड ऑन द स्पिनर, क्वालिटी ऑफ स्पिनर, जिसके पास क्वालिटी स्पिनर रहेगी वो कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। वेल देखा जाए तो इधर की तरफ से कौन से प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन लोगों ने सबसे ज़्यादा रखा है और अपनी टीम में लोगों ने ज़्यादा रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए तो कैम्बेल को लोगों ने अपनी टीम में ज़्यादा रखा हुआ है, और कैम्बेल जो आती है वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आती है। अब ऐसा नहीं कि कैम्बेल ने कोई बहुत खतरनाक बल्लेबाजी की है, नहीं, खतरनाक नहीं की है, बल्कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जिनका नाम है ए जोनस ने खतरनाक नहीं की है, इस वजह से लोगों ने कैम्बेल को मान लिया कि ये खतरनाक है, इनको क्या कर लो, रख दो। अब देखा जाए तो यार जोनस ने वाकई कुछ किया नहीं है, 5वें नंबर पे आती हैं और पहले तो पहले बल्लेबाजी नहीं मिल रही, हकीकत देखा जाए तो इनको तो 2 बार बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला है। तो ए जोनस इज़ नॉट बैड, एक्चुअली इनको मौका ही नहीं मिला दोनों के दोनों मैच में खेलने का, तो मौका ही नहीं मिला तो कहाँ से बैट बोलोगे भाई, एक मैच बस मिला है और 12 रन की नाबाद पारी खेली है। तो 90% लोग रख रहे हैं इनको, 10% लोग रख रहे हैं जोनस को। मैं ऐसे बोलूँगा, अगर आप 4 टीम बनाते हो, 3 टीम में कैम्बेल को रखना, लेकिन 1 टीम में ए जोनस को जरूर रख करके जाना, क्या पता कैम्बेल गच्चा खा जाए, क्या पता विकेट गिरे वेस्ट इंडीज़ का, विकेट गिरेगा तो विकेट कीपर का जो होता है वो भूमिका ज़्यादा हो जाता है ना, समझ रहे हो ना, विकेट गिरता है अपोजिट टीम का तो जो विकेट कीपिंग करता है वो कैच स्टंपिंग तो करता है, तो जोन्स का यहाँ पे भूमिका बढ़ जाती है। और अगर मार देगी, 5वें नंबर पे आ रही है, 5वें 6वें नंबर पे जो भी कह लो, बना दिया 8-10 रन भी मान लो, और 2-3 स्टंपिंग कैच करके 2-3 विकेट उधर से ले ली, तो फिर समझ लो, और कैम्बेल अगर नहीं चली, लड़खड़ आ गई, तो ऐसे में 4 टीम में से 3 में इनको रख लेना, 1 में इनको रख लेना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एच नाइट को देखा जाए 4थे नंबर पे आती हैं, कैप्टन है यार, अपनी टीम की कैप्टन है, 4थे नंबर पे आती है बल्लेबाजी के लिए, पिच ऐसा भी नहीं कि एकदम वाहियात है, ख़राब है, ठीक है, किया जा सकता है बल्लेबाजी यहाँ पे, तो ठीक है बल्लेबाजी किया जा सकता है, तो ऐसे में ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन जाती है आपकी एच नाइट, क्योंकि कैप्टन प्लेयर है, इसका चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इन लोगों को सेमीफाइनल वगैरह खेलना आगे चल करके, तो ऐसे में इंग्लैंड जरूर चाहेगी कि अच्छा परफॉर्मेंस करें, एक अच्छे टच के साथ इनकी कैप्टन जाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो यहाँ पे एच नाइट जो है वो ट्रम्प प्लेयर है। हालांकि एच नाइट का रिकॉर्ड अगर देखोगे तो पिछली बार बैटिंग नहीं मिला, फिर 0 रन 6 रन 7 रन 5 रन, बहुत गंदा। 4 टीम बना रहे हो, 3 टीम में इनको रिजेक्ट कर देना, 1 टीम में रखना, क्योंकि मैं ट्रंप प्लेयर के तौर पर इनको बता रहा हूँ। डैनियल वाइट, ओहो वाओ, शी व्हाट अ प्लेयर शी इज, बहुत अच्छी प्लेयर है, 51 रन 43 रन 41 रन 35 रन, जबरदस्त फॉर्म में चल रही है डैनियल वाइट, आपको डेफिनेटली ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए इनको रख करके चलना चाहिए डैनियल वाइट को। स्टेफनी टेलर की बात करें, राइट हैंडर बल्लेबाज है, जरूरत पड़ने पे ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेती है, पिछले 3 इनिंग की बात करो तो 144 की नाबाद पारी, 127 की नाबाद पारी, और एक ही पारी रही थी 4 रन की जो फेल हो गई थी, वरना 3 में से 2 बार अच्छी पारी, बड़ी पारी खेलती, और प्रतिशत इनका क्योंकि कम है तो ये बन जाती है ट्रंप प्लेयर, डेफिनेटली ट्रंप प्लेयर यहाँ पे बन जाती है। एम बाउचियर की आप बात करो तो एम बाउचियर जो है वो डैनियल वाइट की क्या है, जोड़ीदार है। अगर वही बात है कि इससे पहले वाला जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था ना, वही बात है कि अगर हमें यहाँ पता चल जाता है कि जैसे शुरुआत में थोड़ा सा मतलब अर्ली स्विंग वगैरह ऐसा कुछ है, पिच को देखते हुए, समझ लो, पिच को देखते हुए पता चलता है कि यार इस पर थोड़ी घास दिख रही है, और वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के गेंदबाजी ले लिया क्योंकि थोड़ा सा दिख रहा है उनको वहाँ पे मॉइस्चर, नमी वमी कुछ दिख रही है, ऐसे में डैनियल वाइट और बाउचियर में से एक पे रिस्क लिया जा सकता है। अगर देखा जाए तो बाउचियर ने जो किया है पिछले मैच में 62 रन की पारी खेली है, लेकिन उससे पहले 8 रन 23 रन 12 रन 17 रन उतना कंसिस्टेंट नहीं थी, शुरुआत मिला था 23 और 17 का, लेकिन फिर भी उतना कंसिस्टेंट नहीं थी, पिछली पारी उन्होंने खेली जो 62 खेली है, लेकिन इनकी तुलना में यानी
ऑर्चर की तुलना में डैनियल वाइट ज़्यादा क्या है भरोसेमंद है और बड़ी पारी उन्होंने खेली है। तो अगर मिल जाएगा तो रखना, एक को हटा देना, और नहीं मिलता है तो दोनों के दोनों को टीम में रखोगे ग्रैंड लीग की टीम में, ठीक है। और स्मॉल लीग की टीम में तो डेफिनेटली दोनों को रखना है, ग्रैंड लीग की टीम में आप एक पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि किस कंडीशन में लिया जा सकता है। आगे बढ़ते क्यू जोसफ की बात करते, क्यों इनके नाम जोसफ के नाम के आगे ही लगा हुआ है क्यों, कि मतलब क्यों रखें इनको, क्यों रखें इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर ये ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कर लेती है। पिछले मैच में देखो तो विकेट लेकर नहीं गई थी और बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले अगर आप बात करोगे तो 31 रन, उससे पहले बात करोगे 4 रन, उससे पहले बात करोगे 36 रन, यानी पिछले चार पारी में एक 31 रन वाली पारी और एक 36 रन वाली पारी खेली है किसने, क्यू जोसफ ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्यू जोसफ जो आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आती हैं, और छठवें नंबर में से तीसरा नंबर जो कैम्बेल का है, ये जो है ना कैम्बेल विकेट कीपर, ये तीसरे नंबर पर ही आती है और फॉर्म में नहीं चल रही, बिल्कुल फॉर्म में नहीं चल रही है, 21 रन 2 रन 17 रन की पारी खेल रही। तो हो सकता है, बहुत मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर आपको लगता है कि ऊपर से कोलैप्स होने वाला है तब क्यू जोसफ की बल्लेबाजी आएगा, ऐसे भी क्यू जोसफ बन जाती है ट्रम्प कार्ड नंबर 2। एस डंकली की बात करते हैं, एस डंकली की अगर हम बात करें, इंग्लैंड की क्रिकेटर है, इंग्लैंड की बल्लेबाज है, और एस डंकली को देखो तो तीसरे नंबर पर आती हैं, हालांकि पिछले मैच में डंकली आई थी और मुझे लगता है कि इस बार नहीं आएंगी। तीसरे नंबर पर जो आएगी वो कौन आने वाली है, नथालिया स्काइवर ब्रंटी आने वाली हैं। तो लेट्स सी ये खेलती नहीं खेलती, क्योंकि पिछले मैच में लोगों ने ऐसे ही यू नो इधर उधर ट्राई कर लिया था, कमजोर टीम थी, लेकिन इस मैच में मुझे लगता नहीं डंकली खेलने वाली है। वी विल फाइंड आउट, देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होता है मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहीं पर मैं आपके लिए एक दूसरा सवाल बना देता हूँ, ठीक। दूसरा सवाल ये बनाता हूँ कि डैनियल वाइट हॉज जो है ना, डैनियल वाइट और कौन थी इनकी जो पार्टनर, बाउचियर, आपको बनाना होगा कि इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को आपको बताना होगा कि कौन सा बल्लेबाज होगा जो ज़्यादा पॉइंट आज देने वाला है, ठीक है। दूसरा सवाल ये बन जाता है, डैनियल वाइट या एम बाउचियर आज के मैच में ज़्यादा पॉइंट कौन देने वाली है, ये रहा सवाल नंबर 2, लॉक कर लेना सवाल नंबर 2 आपका यही रहेगा, ठीक है। आगे चल करके 2 सवाल और मिलेगा, और उसमें से अगर 3 सवाल आपके सही हो जाते हैं तो 3 सवाल के 500 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये की प्राइज मनी मैं आपके गुल्लक में आपके अकाउंट में डाल दूंगा, लेकिन 4 में से 3 सवाल सही जवाब होने चाहिए, ध्यान रखना गाइस, ठीक है। दूसरा सवाल बता दिया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ऑलराउंडर में। नो डाउट मैथ्यूज को रखना चाहिए, नो डाउट स्काइवर ब्रंटी को रखना चाहिए, और हेनरी को समझना, हेनरी का क्या सीन है ना यार, हेनरी जो आती है ना गेंदबाजी करने के लिए वो आती है पावर प्ले के अंदर, हेनरी आती है पावर प्ले के अंदर और दो ही ओवर गेंदबाजी करती हैं, अगर अच्छा कर देंगी, अगर उनके शुरुआत के जो दो ओवर करेंगे ना पावर प्ले पे उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका तीसरा चौथा ओवर, अगर दोनों ओवर अच्छा गया तब तीसरा चौथा करेंगे, नहीं अच्छा गया तब दो ही ओवर ये रह जाएंगी, कौन, हेनरी। और हेनरी को देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने आ रही हैं और दो ओवर गेंदबाजी कर रही हैं। रिसेंट में देखा जाए इन्होंने 3 मैच में क्या किया है, तो पहले मैच में 0 रन 0 विकेट, दूसरे मैच में 18 रन की नाबाद पारी और 1 विकेट, यानी ड्रीम टीम में आई, और लास्ट मैच यानी पिछले मैच की बात करोगे तो 2 रन नाबाद रही थी और विकेट भी नहीं लेके गई थी। तो ऐसे में अगर शुरुआत में ये दिख जाती कि कुछ भी मदद नहीं है और पावर प्ले में गेंदबाजी दो ही ओवर कर रही है तो गेंदबाजी से वंचित रह गई, प्लस बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं चल रहा है, तो एक प्लेयर जिसका हाई परसेंटेज अगर आप रिस्क ले सकते हो वो पहली कौन बन जाती है, हेनरी। आपको पता है ग्रैंड लीग जीतता है तो बड़े प्लेयर पर रिस्क लेना होता है, तो पहला प्लेयर जो बन जाती है वो बन जाती है क्या, हेनरी बन जाती है। बात करते हैं डॉटिन के बारे में कि डैंड्रा डॉटिन राइट हैंडर बल्लेबाज है और राइट हैंड मीडियम गेंदबाज है, क्या इनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, तो देखा जाए पिछली पारी 19 की उसके नाबाद थी भाई, पिछली पारी 19 की नाबाद, उससे पहले 28 रन वाली नाबाद और उससे पहले 13 रन वाली, यानी 3 इनिंग में एक बार 19 की अच्छी पारी और एक बार 28 की अच्छी पारी, 19 की अच्छी पारी नहीं ठीक ठाक पारी, तो देखा जाए तीनों के तीनों मैच में डीटी में रही थी, तीनों मैच में डीटी में रही थी, हालांकि एक मैच में तो 13 ही रन बनाए थे उन्होंने। देखो पॉइंट दे रही हैं 34, पॉइंट दे रही हैं 52 और पॉइंट यहाँ पे दी हैं 20 पॉइंट, तो ये 20 पॉइंट पे कोई डीटी में आ जा रहा है मतलब समझ लो टीम सामने वाली बहुत वाहियात खेली थी, बहुत वाहियात खेली थी, तभी ये क्या थी कम रन बना करके डीटी में आ गई। तो चीज़ें पता है एक्स्ट्रा क्या हो जा रही है, क्योंकि बल्लेबाजी की पिच नहीं है, गेंदबाजी की पिच है, और जो विमेंस क्रिकेट जो होती है ना वो गेंदबाजों का ज़्यादा बोलबाला वहाँ पे होता है, तो इसी में ऐसा हो देखने को मिल जाता है कि जो कम रन भी बनाता है ना गाइज वो भी डीटी में आ जाता है, और यही कारण है कि डॉटिन पहले मैच में 13 रन बनाई थी यार, सिर्फ 13, इसके बावजूद ये डीटी में आ गई। तो ये लड़कियों के क्रिकेट सर ऐसा होता है, लेकिन आज का जो मुकाबला है वो कमजोर टीम के साथ नहीं है, सामने इंग्लैंड है भाई, इंग्लैंड में बहुत सारे से प्लेयर हैं कि भाई 20 से ज़्यादा दे देंगे और आ जाएंगे डीटी में, तो ऐसे में दूसरी प्लेयर जो बन जाती हैं जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो वो डॉटिन, यानी डॉटिन और हेनरी में से एटलीस्ट एक प्लेयर, कम से कम एक प्लेयर के ऊपर आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो रिस्क लेने के लिए। अब बात करते ए एलानी की, ए एलानी की बात करो तो पिछले लास्ट 3 मुकाबले में 0-0-0 यानी विकेट लेस गई हैं, विकेट ही लेकर के नहीं गई हैं, एलानी की मैं बात कर रहा गाइस, और एलानी राइट हैंडर बल्लेबाज है, 7 नंबर बल्लेबाजी करने आती है और राइटर मीडियम गेंदबाज है, और एलानी को देखो तो एलानी कहीं ना कहीं क्या बोलूं कुछ कर नहीं रही है, रहने देते हैं, छोड़ो रहने देते हैं, मैं फिलहाल के लिए भी रहने देता हूं,
बाद में देखूंगा क्या होता है, ठीक है। अब बात करें एक्लेस स्टोन की, 100% टीम में रखना चाहिए। ए फ्लेचर इनके सबसे ज्यादा विकेटिंग गेंदबाज है, और राम हरक को पिछले मैच में हम लोगों ने टीम में रखा हुआ था। मैंने ट्रम्प कार्ड बताया था कि जनाब ये ट्रम्प कार्ड है। मैंने सिर्फ 5 प्लेयर दिए थे ट्रम्प कार्ड, और 5 में से 3 जो थी वो ड्रीम टीम में थी, आपको याद होगा। मैंने स्क्रीनशॉट भी इसकी डाली थी टेलीग्राम के ऊपर। तो 5 में से 3 ड्रीम टीम में थी, आज भी जरूर होंगी, जो 3 प्लेयर जरूर होंगी जो मैंने दिया था ट्रम्प कार्ड, उसमें से 3 जरूर आने वाली हैं। वेल आज देखा जाए तो आज राम हरक नहीं है ट्रम्प कार्ड, क्योंकि प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। वेल इन तीनों को टीम में रख के चलना चाहिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि तीनों को टीम में रख के चलना कहीं ना कहीं सही रहेगा, खासतौर से स्मॉल लीग मिनी जीयर के लिए, तो और भी ज़्यादा ग्रैंड लीग अगर चाहो तो एक को ट्राई कर सकते हो बाहर करने का, लेकिन मत करना क्योंकि तीनों के तीनों ने लिया हुआ है अच्छा विकेट, डेफिनेटली लिया तो रख करके चलना। 4 टीम बना रहे हो तो 3 में तीनों को रखना और 1 टीम में ही ट्राई करके एक रिस्क लेना, ऐसे मत लेना। अब एस ग्लेन की बात करेंगे, सारा ग्लेन लेग स्पिनर है। सारा ग्लेन देखा तो पिछले 3 मैच में यार 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, लेकिन सारा ग्लेन समझो प्रतिशत कम है। सारा ग्लेन गेंदबाजी भी पूरी पूरी प्रॉपर करेगी, और साथ ही साथ देखो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम स्पिन खेलने में उतनी महारत इनको हासिल नहीं है, तो सारा ग्लेन को डेफिनेटली आप 3 ओवर करने वाली हैं, अच्छा कर दी तो 4 ओवर भी कर लेगी, तो डेफिनेटली सारा ग्लेन यहाँ पे बन जाती है ट्रम्प कार्ड प्लेयर, ओके टीसी बन जाती है ट्रम्प कार्ड। आगे बढ़ते हैं, सीडीन की बात करते हैं। अब ग्लेन की तुलना में सीडीन का जो प्रतिशत है गाइस वो ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, क्योंकि चार्ली डीन एक ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, और अच्छी गेंदबाजी भी चार्ली डीन ने किया है, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी चार्ली डीन ने किया है। पावरप्ले में आकर के गेंदबाजी करती है, और डेथ में भी करती है, मतलब ऊपर भी मौका नीचे भी मौका, तो चार्ली डीन को आप यहां से उठा सकते हो। चार्ली डीन की अगर आप बात करोगे तो 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब 3 मैच जो खेली हैं 3 मैच में 1-1-2 विकेट लेके गई हैं, तो चार्ली डीन कहीं ना कहीं सारा ग्लेन के तुलना में क्या है, ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो सेफ जाना है तो चार्ली डीन के साथ, और अगर आप ट्रम्प के तौर पे जाना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं सारा ग्लेन के साथ जा सकते हो। लेग ब्रेक गेंदबाजी करती है डेफिनेटली, या फिर आप चाहो तो स्पिनर पर खेलना होगा, क्योंकि स्पिनर का दबदबा भी यहाँ पे दिख रहा है, दोनों पर ट्राई कर सकते हो। वेस्ट इंडीज़ उतना महारत हासिल भी नहीं है स्पिन खेलने में। एल बेल की बात करते हैं, एल बेल लॉरेन बेल ने पिछले मैच खेला था, प्रैक्टिस मैच में 1 मैच में 2 विकेट 1 मैच में 1 विकेट, और पिछला मैच 1 विकेट। लॉरेन बेल काफ़ी तेज गेंदबाजी करती, अच्छी गेंदबाज है। अगर आपको दूसरे इनिंग से उठा लेना होगा तो आप लॉरा बेल को जरूर लेना, क्योंकि दूसरे इनिंग में मात्र 14 गेंद लगते हैं इनको विकेट छटकाने में, तो दूसरे इनिंग से एल बेल को उठा सकते हो। ए मुनीसर, अब ए मुनीसर की हम क्या बात करें और कितने प्लेयर की बात करें, अश्विनी मुनीसर की हम बात करते हैं, तो अश्विनी मुनीसर ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करती हैं, और अश्विनी मुनीसर ने पिछले 4 मैच में मात्र 1 विकेट लिया, तो यहाँ से मैं रिजेक्ट करके जाऊँगा मुनीसर जी को, ओके। तो ये हो गई पूरी बात, अब हम क्या करते हैं, एक टीम यहाँ पर बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यस गाइस जल्दी से हम देखते हैं, और सबसे पहली टीम मैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकिन दिखाने से पहले, इनके बारे में बताने से पहले, मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाहता हूँ आज का, और तीसरा सवाल ये है कि जैसे मैंने पूछा था ना वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर बताओ कि वेस्ट इंडीज़ का कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट देगी, आपको बताना होगा इंग्लैंड की कौन सी प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाली है, ये है सवाल नंबर 3, आपको नाम लिखना होगा। जितने भी सवाल पूछूंगा सारे सवालों का जो सही जवाब होगा आपको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 करके करना होगा। तो सवाल नंबर 3 यही है कि आपको बताना होगा इंग्लैंड का कौन सी ऐसी प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे देने वाली आज के मैच में। अब देखो एक टीम मैंने जो बताया वो डैनियल वॉइड एंड बॉचियर दोनों ओपनिंग को रख लिया है, फिर 30 नंबर पे ब्रेंड को रखा क्योंकि ऑलराउंडर है, और यहाँ से मुझे लगता है कैप्सी आज मैच में खेलने वाली है, डेफिनेटली कैप्सी को हम ट्राई करने वाले हैं एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर। फिर एक्लेस स्टोन्स और सी डीन, ये नीचे से गेंदबाजी करने के लिए मैंने 2 को रख लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से मैंने राम हरक फ्लेचर ये रखा जो विकेट लगातार दे रही है इनको रखा हुआ है, और यहाँ से मैंने मैथ्यूज रखा हुआ है, कैम्बल को वहाँ पर रखना ही रखना है, और डॉटिन को मैंने रखा हुआ है। और आप क्योंकि मैंने बताया हुआ था ना यहाँ पे ऑलराउंडर में आ जाओ, मैंने बताया था ना आपको कि डॉटिन और हैनरी में से किसी एक पे रिस्क लिया जा सकता है, दोनों ने किया नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बल्लेबाजी कर रही हैं, और ये क्या कर रही हैं, ये बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रही, गेंदबाजी भी नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में मैं डॉटिन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि बीच में आगे कहीं ना कहीं बल्लेबाजी डॉटिन डेफिनेटली करके जा सकती हैं, तो डॉटिन के साथ मैं जाना पसंद कर रहा हूँ। अगर मुझे एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर खेलना होगा तो मैं बैटिंग सेक्शन में आऊँगा, और मैं क्यों जोसफ मैं डेफिनेटली ट्राई कर सकता हूँ, मतलब सिर घूम जाएगा मेरा सोच करके, लेकिन ट्राई किया सकता है क्योंकि गेंदबाजी भी कर रही है, हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि गेंदबाजी तो नहीं कर रही है, बट क्या पता कर जाए क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी मजबूत है, शायद विकेट ना ले, और विकेट ना ले तो पार्ट टाइम जो गेंदबाज है ना वो ले, क्योंकि रिसेंट में हमने देखा कि यार पार्ट टाइम जो बल्लेबाज रहता है जो पार्ट टाइम गेंदबाजी करता है वो आके गेंदबाजी कर रहा है, जब मेन गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे हैं तो पार्ट टाइम वाला आके कर रहा है और वो विकेट लेकर चला जा रहा है, तो ऐसे में क्यों जोसफ। हालांकि आप मत लेना, आप रिस्क मत लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चुपचाप से डॉटिन के पास आ जाना बल्लेबाजी से, क्योंकि मैथ्यूज और डॉटिन यही 2 प्लेयर प्रॉपर है, और ये कैम्बल तो रखना हमारी मजबूरी है लेकर के रखा हुआ है, तो 2 बल्लेबाज कम से कम रहना चाहिए बनाने के लिए, और विकेट के लिए देखा जाए तो 1-2 गेंदबाज और फिर यहाँ से मैथ्यूज ये निकल करके आते हैं बल्ले, और गेंदबाजी देखा जाए डीन एक्लेस स्टोन और स्कैबो ब्रेंड, ये 3 इनके और 3 गेंदबाज उनके, ऐसे मैंने टीम को रखा हुआ है। चेंजेस मैं और कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, जैसे ऊपर देख रहा हूँ ना, ये देख रहा हूँ ना ऊपर, इनमें से एक पर रिस्क लूँगा मैं, है ना, एक पे रिस्क ले सकते हो आप, एक पे रिस्क लेते हुए और आप मान सकते हो कि आज किसी ने किसी को चलाओ यार, मतलब जबरदस्ती का आपको मानना पड़ेगा कि आज चलेगी, जैसे आप मान सकते हो कि नाइट या एमी जोन्स किसी एक को या कैप्सी को, समझ लो कैप्सी अगर खेलती है तो मान लो नाइट को यहाँ से उठा सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो नाइट को यहाँ से ले सकते हो,
ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे नाइट को ले सकते हो अगर एक विकेट वहाँ से गिर रहा है तो। लेकिन अगर आप कैप्सी खेल रही है तो नाइट को रहने देना, है ना, नाइट को रहने देना और बॉलिंग की तरफ चल जाना। बॉलिंग की तरफ जाने के बाद एल बेल हुई और एक कौन है, सारा ग्लेन, इन दोनों में से किसी एक को उठा लो। ये वाली टीम में बना सकते हो 6-5 की, दिख रही गाइस, ये रही 6-5 की टीम, ठीक है। तो इस तरीके से टीम आपको बनाना होता है, चेंजेस करना होता है। सारे चेंजेस मैंने आपको कर करके बता दिया, समझा दिया कैसे कैसे चेंज करना है। लेकिन अगर आपको ये नौबत आती है कि सारा ग्लेन सीडीन में से एक को चुनना, सीडीन को चुनना क्योंकि सेफ है, अगर रिस्क लेना होगा तब जाके सारा ग्लेन को रखना, सीडीन को हटाना है, लेकिन रिस्क होगा, ध्यान देना, ठीक है। आप बेहतर होगा कि आप इन तीनों कॉम्बिनेशन के साथ जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि तीन स्पिनर रखेंगे, एक वंचित रह सकती है, डेफिनेटली एक वंचित रह जाएगी। देखेंगे वंचित रहने वाली सारा ग्लेन ज़्यादा लग रही है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब मानते कि नहीं ये कम परसेंटेज वाली, इसने कम किया, इनको पहले हटा देते हैं, तो अक्सर वही पहले विकेट लेती है, क्योंकि ये दो जो हैं इनके प्रति लोग सतर्क होकर खेलते हैं, इनको नहीं खेलेंगे, ये विकेट लेके चल जाएंगे, और ऐसे में इन दोनों में से कोई एक रहेगा जो वंचित रह जाएगा, शायद ऐसा ही देखने को आपको मिल सकता है। अगर आप भी मेरी बात से आप वाकिफ रखते हो तो मेरे लॉजिक के साथ जाना, वरना आपको लगता है नहीं ये वाली लॉजिक से नहीं, हमें इन्हीं दोनों को ही रखना चाहिए, तो आप इन्हें दोनों को रखना ठीक रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आपको पहुंचना चाहिए किसके पास, आपको पहुंचना चाहिए ऑब्वियस सी बात है, आप स्कैबर ब्रांड के पास कैप्टन के तौर पर चल जाओ, और वाइस कैप्टन मैथ्यूज, ये सबसे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी यहाँ पे दिख रही है, सबसे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ये दिख रही है। लेकिन अगर आपको ट्रम्प के तौर पे जाना होगा, है ना गाइस, ट्रम्प के तौर पे जाना होगा तो आप पहुंच जाना डैनियल वाइट के पास, पहुंच जाना, ये आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो जाएगी, बिल्कुल ट्रम्प प्लेयर होगी। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, अरे ऊपर होना यार, थोड़ा सा एक सेकंड ऊपर नहीं हो रहा, रुक जाओ, हाँ हो गया, हाँ एक सेकेंड, ये वाइट को आप ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी यहाँ मिल जा रही है, एक ट्रम्प आपकी फ्लेचर मिल जा रही है, एक यहाँ पे आपके एक्लिस्टोन मिल जा रही है, और यहाँ पे डीन मिल जा रही है, ये आपके ट्रम्प प्लेयर हैं वाइस कैप्टन कैप्टन की दावेदारी के लिए, और ये दोनों कौन से आपके कैप्टन आपके सेफ वाले हैं, समझ में आ गई भाई। तो चलो इस तरीके से आज के मैच की प्रेडिक्शन क्या होती है, दोनों मैच की समाप्त होती है, और आखिरी सवाल जो बच गया है उस आखिरी सवाल को भी मैं आपसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पूछ लेता हूँ, ठीक है। और आखिरी सवाल जो है वो ये सवाल है कि मैं आता हूँ यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में आने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या बैटिंग सेक्शन में आने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ सारा टेलर और एस टेलर, है ना, एस टेलर और यहाँ पे डॉटिन, ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, डॉटिन और यहाँ से एस टेलर, इन दोनों में से आपको बताना पड़ेगा कि आज के मैच का नहीं ये सवाल नहीं। चौथा सवाल मैं आपसे ये पूछ देता हूँ, जैसे मैंने पूछा है ना कि पहला सवाल तो ये पूछा था कि वेस्ट इंडीज़ का कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि आप बताओ कि बल्लेबाजी में से, मैंने पूछा था ना कि ये डैनियल वाइट और बॉचियर में से सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देने वाला, शायद मैंने यही सवाल पूछा था अगर मैं भूला ना होगा तो। तीसरा सवाल था कि मैंने आपसे पूछा था कि इंग्लैंड का कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, और चौथा सवाल आपका ये है कि आपको बताना होगा कि इंग्लैंड का कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे कम पॉइंट देगा, यही सवाल है, इंग्लैंड का कौन सा प्लेयर जो सबसे कम पॉइंट यहाँ पे देने वाला है। ये चार सवाल है, चारों सवाल का आपको 1, 2, 3, 4 करके देना है, अगर चार में से तीन भी आपका सवाल का जवाब सही हो गया तो आपको 1500 रुपये गिव अवे मिल जाएंगे। तो चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बदले मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए गाइस, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका प्यार सपोर्ट, अगर आप बड़े होंगे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये चीज़ आप मुझे लाइक करके, वीडियो कमेंट करके, सही जवाब देना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि अब आए दिन हर एक मैच में मैं कोई ना कोई प्राइज मनी मैं आप लोगों के लिए गिव अवे जरूर रखने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी लाभ हो, और ये जो आपका जो लॉस हो रहा है ना, ये कम से कम ये पैसे जीत करके आपका जो लॉस जो है मतलब लॉस कवर तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ ये पैसे जीत करके आप टीम लगा सकोगे, तो कम से कम थोड़ा सा आपको ये राहत तो रहेगी ना कि चलो ठीक है हम टीम लगाने के लिए यहाँ से पैसे में मिल जा रहे हैं। तो ये इसको एक गिव अवे के तौर पर मत लेना, बल्कि इंग्लिश में कहते हैं ना कि टोकन ऑफ लव, एक टोकन ऑफ लव मतलब समझो एक प्यार की निशानी के तौर पे आप रखना कि मेरा प्यार होगा आप लोग के लिए, और कुछ भी नहीं होगा, कोई पैसे ऐसे वाली चीज़ नहीं है, प्यार वाली बात है, ठीक है। तो चलो अपना सपोर्ट बनाए रहना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम जुड़ जाना, क्योंकि फाइनल टीम हम कहाँ देंगे, टेलीग्राम को भर देंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखना, और अपने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।